नमस्कार, मैं हूं अहमद। और दोस्तों, आज हमारे पास अवेलेबल है Realme की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च Realme 9 5G, जिसका स्टार्टिंग प्राइस दोस्तों इंडिया में रखा गया है 14,999 रुपये है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों अनबॉक्सिंग तो करेंगे ही इस डिवाइस का, लेकिन साथ ही यहां पर मैं कंपैरिजन भी करने वाला हूं इसका सैमसंग गैलेक्सी F23 के साथ में, क्योंकि इस डिवाइस का प्राइस भी आपको लगभग इतना ही देखने मिलता है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि सेम प्राइस में, लगभग 15,000 रुपये की प्राइस में, आपको Realme 9 5G की तरफ जाना चाहिए या फिर सैमसंग गैलेक्सी F23 5G की तरफ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा दोस्तों, बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले Realme 9 5G के क्विक अनबॉक्सिंग के साथ। दोस्तों, बॉक्स में सबसे पहले है यह एनवलप, और दोस्तों इसमें एक सिम इजेक्टर टूल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसके बाद है ये डिवाइस, जो कि हमारे पास अवेलेबल है वाइट कलर में। और दोस्तों कुछ इस तरीके का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिल रहा है Realme 9 5G का। चलिए फिलहाल के लिए मैं इसको रख रहा हूँ साइड में। इसके बाद दोस्तों एक चार्जर जो कि आता है 18 वोल्ट के आउटपुट रेटिंग के साथ में, और एक टाइप सी डेटा केबल। और दोस्तों ये है Realme 9 5G। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन की डिज़ाइन की दोस्तों। तो इस फ़ोन का रियर पैनल आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी शाइनी है दोस्तों। और अगर हम इसे टिल्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर हमें अलग अलग लाइट रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसको फील करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिलता है मैट फिनिश के साथ में। तो एक अच्छी बात है कि हमें फिंगरप्रिंट मैग्नेट वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। और हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस फ़ोन के हैंडसॉन फील की या फिर हैंडसॉन ग्रिप की, तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है। ऑलमोस्ट 188 ग्राम के वेट के साथ में आपको ये देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इसका जो थिकनेस है ना दोस्तों, ये भी काफ़ी कम है, 8.5 mm की थिकनेस के साथ में आपको ये देखने को मिलेगा। तो डिज़ाइन दोस्तों इस बार थोड़ा सा अलग है। हालांकि अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ, तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हुए हैं, और इस बार की जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों, ये काफ़ी सॉलिड लग रहा है। तो हाँ, फ़ोन हाथ में पकड़ने के बाद दोस्तों अच्छा लगने वाला है। बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे फ्रंट साइड की, तो इस फ़ोन में भी आपको एक पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, जो कि प्लेस है दोस्तों कॉर्नर साइड में। चलिए मैं अब इस फ़ोन को जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ, और फिर बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेल में। और हाँ, यहाँ पे हम कंपैरिजन भी करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F23 के साथ। और दोस्तों जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि फ़ोन कंप्लीट सेटअप हो चुका है। यहाँ पे हम आ गए हैं इस फ़ोन के होम स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बात की जाए दोस्तों इस फ़ोन के फ्रंट डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा कॉर्नर साइड में। बेजल्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, नैरो बेजल्स आप इसे कहेंगे। हेड भी काफ़ी कम है, और चिन भी आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक साइज़ का है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो एक मॉडर्न लुक वाला फ़ोन आपको ये देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इस फ़ोन के डिस्प्ले की, तो ये आपको मिलता है 6.5 इंचेस का, जो कि एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है। IPS पैनल यहां पे यूज़ किया गया है, और अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश भी देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम डिस्प्ले का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यहाँ पे कलर्स वगैरह में अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जो ब्राइटनेस लेवल है ये भी दोस्तों अच्छा है, 600 nits का दोस्तों यहाँ पे हमें ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा खासा ब्राइट डिस्प्ले है दोस्तों, और जो कलर कॉन्ट्रास्ट है दोस्तों, ये भी हमें प्रॉपर देखने को मिल रहे हैं। तो डिस्प्ले से दोस्तों ऐसे कोई कंप्लेंट तो नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस प्राइस में अब काफ़ी सारे ब्रांड हमें सुपर एमोलेड पैनल भी देते हैं, तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं उन डिस्प्लेस के मुकाबले, तो ये फिर आपको थोड़ा सा डर लग सकता है। चलिए चलते हैं दोस्तों UI की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Realme का UI 2.0 वर्जन आपको देखने को मिल रहा है। जी हाँ, लेटेस्ट UI नहीं दिया गया है, Realme 3.0 वर्जन यहाँ पे नहीं है। और दोस्तों ये आपको आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल रहा है Android 11 के साथ में। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी इसमें Realme अपना जो लेटेस्ट UI है, Realme UI 3.0 वर्जन, ये हमको यहाँ पर देने वाला है। और दोस्तों अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं इसे सैमसंग के गैलेक्सी F23 के साथ में। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड में है सैमसंग गैलेक्सी F23, और लेफ्ट हैंड में है Realme 9 5G। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिज़ाइन के साथ में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों ही फ़ोन का रियर पैनल काफ़ी ज़्यादा अलग है दोस्तों देखने में भी ये दोनों ही फ़ोन्स। इनफैक्ट जो डाइमेंशंस हैं, या फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ वेट की, तो वो भी दोनों ही फ़ोन्स का काफ़ी अलग है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सैमसंग के फ़ोन्स हैं, चाहे हम मिड रेंज की बात करते हैं, चाहे हम थोड़ा सा और हाई एंड की बात करते हैं, ये हमें काफ़ी डिसेंट लुक के साथ में देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी डिज़ाइन नहीं होता है, एक सिंपल सुपर सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है सैमसंग के डिवाइसेज में। जबकि अगर मैं बात कर रहा हूँ रियलमी की, वीवो की, ओप्पो की, तो ये आपको थोड़े से फैंसी डिज़ाइन के साथ में देखने को मिलते हैं। काफ़ी ग्रेडेड फिनिश आपको देखने को मिलेगा, और कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं। तो इस बार भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा दोनों ही फ़ोन्स के डिज़ाइन में। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन से फ़ोन का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये आपको एक बहुत ही डिसेंट डिज़ाइन के साथ में देखने को मिलेगा, और ये थोड़ा बहुत फैंसी डिज़ाइन हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों डायमेंशंस की, तो वो थोड़े से अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे 6.6 इंचेस का स्क्रीन साइज़ आपको F23 में देखने को मिलता है, जबकि Realme 9 आता है दोस्तों 6.5 इंचेस के स्क्रीन साइज़ के साथ में। तो ये पकड़ने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है दोस्तों। अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों वेट की, तो ये करीब 200 ग्राम के वेट के साथ में आपको मिलता है, जबकि ये 188 ग्राम के वेट के साथ में आपको देखने को मिलेगा। और वैसे भी दोस्तों अगर मैं चेक कर रहा हूँ
हूँ दोनों ही फ़ोन के वेट को, तो Realme 9 5G थोड़ा सा ज़्यादा हल्का लग रहा है। और हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे थिकनेस की, तो 8.5 mm की थिकनेस के साथ में आपको Realme 9 देखने मिलता है, जबकि 8.4 mm का थिकनेस यहाँ पे दिया गया है Samsung Galaxy F23 में। बाकी दोस्तों पोर्ट्स वगैरह तो दोनों ही फ़ोन्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये भी आपको दोनों ही फ़ोन में साइड माउंटेड देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बार फिंगरप्रिंट सेंसर का परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। ये दोनों ही फ़ोन्स में दोस्तों फास्ट है, हालांकि कंपेरेटिवली आप Realme 9 को थोड़ा सा बेटर कह सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के मामले में, बाकी F23 भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। चलिए तो अब दोस्तों बात की जाए दोनों ही फ़ोन्स की डिस्प्ले की, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स का दोस्तों फ्रंट डिज़ाइन पंचोल डिस्प्ले के साथ में हमें देखने मिलता है Realme 9 5G, जबकि Samsung Galaxy F23 दिया गया है एक वी कट डिस्प्ले के साथ में। Samsung इसे कहता है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले। नो डाउट यहाँ पे ज़्यादा मॉडर्न डिस्प्ले हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों Realme 9 में। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बेजल साइज़ की, तो खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी नैरो बेजल्स के साथ में आ रहे हैं। हालाँकि हेड और चिन की साइज़ की बात कर रहा हूँ तो वो Realme 9 5G में थोड़ा सा कम मुझे देखने को मिला, और ये दोस्तों आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए दोस्तों, तो Realme 9 5G आ रहा है एक IPS पैनल के साथ में, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जबकि F23 आपको मिलता है TFT पैनल के साथ में, यहाँ पे भी फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन यूज़ किए गए हैं। तो डिस्प्ले क्वालिटी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स का। अब यहाँ पर भी दोस्तों Realme 9 5G थोड़ा सा लीड ले रहा है, और यहाँ पे जो कलर्स है वो हमें बेटर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि IPS पैनल ऑफकोर्स TFT पैनल से आपको बेटर देखने को मिलता है। कलर्स वगैरह भी अच्छे होते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा होता है दोस्तों। इनफैक्ट जो ब्राइटनेस लेवल है वो भी मुझे थोड़े से बेटर देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों Realme 9 5G अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जो व्यू एंगल्स है दोस्तों वहाँ पर भी मैं Realme 9 5G को ही बेटर कहने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों डिस्प्ले में एक एडवांटेज है F23 के पास में, कि यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, जबकि Realme 9 5G आता है 90 हर्ट्ज़ के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में। तो हाँ, ये ज़्यादा स्मूथ लग रहा है दोस्तों। वैसे 60 हर्ट्ज़ और 90 हर्ट्ज़ में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम 60 हर्ट्ज़ को 120 हर्ट्ज़ से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही अलग सा स्मूथ डिस्प्ले हमको देखने को मिलता है, और उस डिस्प्ले को हम नोटिस भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही दोस्तों मुझे यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, F23 यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। तो दोस्तों अगर आपने 120 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट यूज़ किया हुआ है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको F23 पसंद आने वाला है। और वैसे भी दोस्तों जब हम गेमिंग करते हैं तो वहाँ पर जितना ज़्यादा स्क्रीन रिफ्रेश रेट होता है उतना ही हमारा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो हाँ, यहाँ पर F23 बाजी मार लेता है Realme 9 के कंपैरिजन में। अब दोस्तों बात आती है UI की, तो F23 आता है Samsung के लेटेस्ट UI Samsung One UI 4.1 वर्जन के साथ में, और ये बेस्ड है दोस्तों Android 12 पर, जबकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ Realme 9 के बारे में, यहाँ पर आपको Realme UI 2.0 वर्जन देखने को मिलता है, और ये बेस्ड है Android 11 पर। अब आपको इन दोनों में से कौन सा UI पसंद है दोस्तों, ये हमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स आते हैं ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप के साथ में। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आपको दिया गया है दोस्तों Realme 9 में, जबकि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर हमें देखने को मिलता है गैलेक्सी F23 में। यहाँ पर अल्ट्रावाइड सेंसर भी हमें देखने को मिल जाता है गैलेक्सी F23 में, जो कि Realme 9 में अवेलेबल नहीं है। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो ये Realme 9 में आपको 16 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा, जबकि Galaxy F23 में ये 8 मेगापिक्सल दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स का कैमरा UI। यहाँ पे दोस्तों पहले मैं आपको वीडियो के बारे में बता दूं कि Realme 9 में 1080 पिक्सल्स पे आप मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि F23 में आपको 4K का रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये 30fps के साथ में अवेलेबल है। हालांकि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये दोनों ही फ़ोन के 1080 पिक्सल्स के साथ में 60fps पे रिकॉर्ड की गई है। तो वीडियो क्वालिटी वगैरह तो दोस्तों अच्छी लगी मुझे, हालांकि यहाँ पर थोड़े से कलर्स में डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूँ ऑटो फोकस स्पीड की, तो वहाँ पे भी मैं डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और उसमें दोस्तों F23 मुझे थोड़ा सा बेटर देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ इमेजेस देखिए दोस्तों, जो कि हमने इन दोनों ही फ़ोन के रियर और फ्रंट कैमरे से कैप्चर करी हैं। तो दोनों ही फ़ोन्स की पिक्चर दोस्तों अपनी अपनी जगह काफ़ी अच्छी हैं, हालांकि कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि Realme 9 थोड़े से ज़्यादा शार्प कलर को कैप्चर कर रहा है, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा वार्म कलर हैं, जबकि गैलेक्सी F23 में ये काफ़ी हद तक हमें नेचुरल देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये ब्राइट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा वार्म नहीं कर रहा है, तो कुछ ऐसा डिफरेंस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है इन दोनों ही फ़ोन्स की पिक्चर में। कुछ और पिक्चर्स दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें कि आपको कौन से फ़ोन की पिक्चर ज़्यादा पसंद आ रही हैं।
तो कैमरे में दोस्तों ये अपनी अपनी चॉइस हो सकती है कि आपको कैसी पिक्चर ज़्यादा पसंद आ रही हैं। हालांकि अगर आप चाहेंगे तो हम डिटेल कंपैरिजन कर सकते हैं कैमरे का। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इस कंपैरिजन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है इसका परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर दोनों ही फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं दोस्तों, क्योंकि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 चिपसेट आपको देखने को मिलता है रियलमी 9 5G में, जबकि गैलेक्सी F23 5G में दिया गया है स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ही फ़ोन का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। लेकिन किसका परफॉर्मेंस बेटर होगा दोस्तों, इसके लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल कंपैरिजन। यहाँ पर हम करने वाले हैं दोनों ही फ़ोन का स्पीड टेस्ट और फिर आपको बताते हैं कि कौन सा फ़ोन परफॉर्मेंस के लिए बेटर होने वाला है। अब दोस्तों दोनों ही फ़ोन के जो चिपसेट के स्पेसिफिकेशन हैं वो लगभग सेम हैं। मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों इनका प्रैक्टिकल कंपैरिजन करना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेंचमार्क स्कोर से, और यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों दोनों ही फ़ोन के बेंचमार्क स्कोर। रियलमी 9 5G थोड़े से ज़्यादा बेंचमार्क स्कोर लेकर आ रहा है, 350,000 लगभग आपको देखने मिलते हैं F23 में, जबकि 370,000 बेंचमार्क स्कोर रियलमी 9 में। अब दोस्तों दोनों ही फ़ोन का हमने CPU थ्रॉटल भी चेक किया और दोनों ही फ़ोन का परफॉर्मेंस वहाँ पर भी लगभग सेम हमें देखने को मिला। दोनों ही फ़ोन कहीं ना कहीं थ्रॉटल हुए हैं और यहाँ पर दोस्तों हम स्कोर्स भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन के फर्स्ट राउंड की तरफ, जहाँ पर हम करने वाले हैं दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम वाइब्रेशन को ओपन। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन में कोई भी वाइब्रेशन काम नहीं कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों BGMI के साथ में और फिर हम जाएंगे दूसरे वाइब्रेशन की तरफ। और दोस्तों ये था फर्स्ट राउंड, काफ़ी कड़ी टक्कर थी दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स के बीच में। यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है ना दोनों ही फ़ोन्स का वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा है। हालांकि इस राउंड का विनर तो सैमसंग गैलेक्सी F23 है, क्योंकि यहाँ पे 7 में से लगभग 4 एप्लीकेशन पहले ओपन हो गई हैं। लेकिन जो टाइम डिफरेंस था ना दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स का, वो बहुत ही कम हमें देखने को मिला, तो परफॉर्मेंस अभी तक तो मुझे लगभग सेम देखने को मिल रहा है। चलिए बाकी चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ, जहाँ पर हम रैम मैनेजमेंट को चेक करेंगे और यहाँ पर हम टाइम को चेक करने वाले हैं स्टॉपवॉच के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों इस राउंड को भी। और दोस्तों ये था सेकंड राउंड, ये राउंड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था दोस्तों। हालांकि यहाँ पे लीड ले ली है रियलमी 9 ने, जहाँ पे कुछ सेकंड पहले इसने कंप्लीट टास्क कर लिया था। तो इस राउंड का विनर दोस्तों हमें रियलमी 9 5G देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जो परफॉर्मेंस था वो लगभग सेम था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो परफॉर्मेंस के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न होना चाहिए, आप कोई भी फ़ोन चूज़ कर सकते हैं बाकी सारी चीज़ों को देखकर।
तो ये था परफॉर्मेंस दोस्तों इन दोनों ही फ़ोन्स का। चलिए बढ़ते हैं और आगे की तरफ, बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स की बैटरी का। तो 5000 mAh का बैटरी आपको दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिलने वाला है। चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो 18W का चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है रियलमी 9 5G में, जबकि 25W का चार्जिंग सपोर्ट हमें देखने को मिलता है गैलेक्सी F23 5G में। हालांकि गैलेक्सी F23 में आपको चार्जर इनबॉक्स देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको अलग से परचेज़ करना होगा। बात आती है दोस्तों मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे मैं रियलमी 9 5G को आगे रखना चाहूँगा क्योंकि एक मॉडर्न डिस्प्ले के साथ में आता है, व्यूइंग सबको अच्छे देखने मिलते हैं, ब्राइटनेस लेवल आपको अच्छा देखने मिलता है, तो डिस्प्ले का व्यूइंग एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा बेटर देखने को मिला रियलमी 9 5G में। साउंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा लाउड लगा है F23। हालांकि दोनों ही फ़ोन्स में सिंगल स्पीकर का ही यूज़ किया गया है, लेकिन F23 यहाँ पर ज़्यादा लाउड था और साउंड क्वालिटी में मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा था। तो हाँ, डिस्प्ले का परफॉर्मेंस रियलमी 9 में अच्छा है, लेकिन साउंड एक्सपीरियंस अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो F23 में अच्छा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये था अनबॉक्सिंग रियलमी 9 5G का, और यहाँ पे हमने आपको एक कंपैरिजन भी दिया है गैलेक्सी F23 के साथ, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको दोनों में से कौन सी फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के बिहार पर आप अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस और देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे दोस्तों, और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।